आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस की दहशत के बीच मार्च माह का दूसरा तहसील दिवस आयोजित किया गया। इस तहसील दिवस में सभी अधिकारी और कर्मचारी तो मौजूद रहे, शिकायतियों की भी खासी संख्या रही। समूची दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत का कहर है। कई देशों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश जारी होने से पहले तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील में आयोजित समाधान दिवस में शिकायतकर्ताओं पर कोरोना का असर नहीं दिखाई दिया। सदर तहसील दिवस की अध्यक्षता एडीएम गरिमा सिंह ने की। एडीएम गरिमा सिंह ने तमाम शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया। आज कई काफ़ी मतलब समस्याएं आई लोगों की, और लोगों को संबंधित विभाग को भी निर्देशित किया गया। काफ़ी समस्याएं सीवर लाइन से भी संबंधित थी, और कुछ समस्याएं आए जैसे लोग जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। इसके अलावा राजस्व विभाग से अवैध कब्जे की शिकायत थी। कुछ शिकायतें चक्रोल को लेके थी, और कुछ ऐसी शिकायतें थी जो निजी पक्षकारों के बीच में थी, जो अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे थे। और लगभग 6 समस्याओं का निस्तारण कराया गया है। एडीएम ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। एडीएम गरिमा सिंह का कहना था कि लोग कोरोना वायरस के चलते सावधानी बरतें, सावधानी में ही बचाव है। कोरोना को लेके पूरे प्रदेश में ही समय अलर्ट है, और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किस तरीके से वो इस वायरस से अपने आप का बचाव करें। इसी क्रम में जो है तहसील का भी पूरा सैनिटाइजेशन कराया गया है, और उसके लिए जो बार बताया जा रहा है कि लोग अपने हाथ जब किसी भी ऐसी चीज को छूते हैं तो अपना हाथ बार बार धोएं, तो लोग इस चीज का प्रिकॉशन भी रखें। मंगलवार दोपहर बाद शासन ने कोरोना वायरस के चलते तहसील थाना समाधान दिवसों के आयोजन पर रोक लगा दी है। तहसील और थाना समाधान दिवस अगले आदेश तक बंद रहेंगे। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।